डबवाली से इंडियन नेशनल लोकदल की विधायक नैना चौटाला ने अपने देवर अभय चौटाला को पार्टी के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वे एलनाबाद के गांव जमाल में हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। नैना चौटाला ने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर कोई भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। नैना चौटाला ने पूछा कि अभय चौटाला उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे। नैना चौटाला ने कहा कि 17 नवंबर का दिन हरियाणा की राजनीति में बड़ा दिन होगा। जींद रैली में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आइए हरी चुनरी चौपाल की कुछ तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद नैना चौटाला की बात भी सुनेंगे। महिलाओं की है जो गैलरी में भी खड़े इस साइड में सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप साइड में खड़े होने का काम करें, क्योंकि ये हरी चुनरी चौपाल में विश्वास दिलाएं कि जहाँ आप कहोगे वहाँ हम हाजिर रहेंगे। डॉक्टर, मैं 3-4 नारे आपसे लगवाना चाहूंगा, जोरदार ऊंची आवाज, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहन जी को विश्वास दिलाओ कि हमारी पूरी मातृशक्ति की टीम एलनाबाद हल्का पूरा जिंदाबाद युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो। बहनों का प्रोग्राम है तो मैं इसी श्री नंदलाल जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और देखो जो उनको ठीक लगा उनकी कलम चल रही थी उन्होंने पूरा चला दिया, ठीक है। अब बार बार तो इसको मतलब इस मातम को मनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, कल से नया आगाज होगा, सब कुछ नया होगा। डंके की वो तो देखो कल आप देखना वहाँ क्या क्या होएगा, वहीं जाके देखो आप। नहीं, आपका इस क्यों हट गया हो, क्यों इनेलो के पास जो झंडा है उसमें डंडा नहीं है, है ना? तो देखो हर चीज का आगाज कल 17 तारीख को आप वहीं देखो और वहीं पहुंचो। बिल्कुल जनता बनाएगी, माँ कुछ नहीं कर सकती, माँ सिर्फ दुआएं दे सकती है। और मैं बार बार कहती हूँ कि कोई मुख्यमंत्री ड्राइंग रूम से बनके नहीं निकल सकता कभी भी, किसी का भी उठा लो इतिहास आप, कोई भी पॉलिटिकल फैमिली जब तक जनता जनार्दन आपके साथ नहीं होगी ना तब तक आप किसी को मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं एक माँ हूँ, मैं उसको दुआ दे सकती हूँ, मेरी दुआओं में मैं उसको मुख्यमंत्री बना सकती हूँ, पर ये जो पब्लिक आई है ना ये ही उस, ये जब टिकट्स मिलेंगी तो आप भी वहीं रहना, लिस्ट जब बनेगी तब आप देखना। मेरी बात सुनो, मैं कुछ कह दूंगी वो मेरे देवर हैं, मैं ऐसा उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती, ठीक है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ना बोलो तो ज्यादा ठीक है, क्यों वो अकेले ही है क्या और साथ नहीं है कोई। मैं कहती हूँ मुझे भी निष्कासित कर दो, जब मेरे हस्बैंड को कर दिया तो मुझे और नगेंद्र बडाना को क्यों नहीं कर रहे, हम भी तो इन्हें अलग से प्रोग्राम कर रहे हैं। अजय जी ने तो कुछ किया भी नहीं, क्या किया अजय जी ने, आप खुद तो एक वो तो आप पूछो ना, किस प्रकार हमें तो निष्कासन लेटर। मैं कोई गुंडागर्दी की बात नहीं कर रही बिल्कुल भी, वो तो आप उनसे पूछिए ना, हो सकता है कोने में उनको डर हो भी मेरा प्रतिपक्ष का पद ना चला जाए, कोई ना कोई तो डर होगा ना। जब अजय जी को निकाल सकते तो मैं तो अजय जी की पत्नी उनके बाद में आई हूँ, उनको मेरे को भी निकाल देना चाहिए, मैं कहती हूँ निकाल दो मुझे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।